हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर। इसी का आज हमारा है पार्ट 5। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण 7.4 और उदाहरण 7.5 की। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्ट था। तो वहां पे हमने जो भी फॉर्मूलाज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी का यूज हम इन उदाहरणों में आज करने वाले हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं पहले, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण 7.4 को। उदाहरण 7.4 में कहा गया है कि 15 माइक्रोफेरड का एक संधारित्र, यानी कि ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक संधारित्र की वैल्यू है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज μ से जुड़ा है। एक संधारित्र है जो कि इतने वोल्टेज इतनी आवृत्ति के स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का संधारित्र प्रतिघात और उसमें प्रभावित होने वाली RMS और शिखर धारा का मान बताइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कहा गया है कि हमारे पास संधारित्र प्रतिघात की वैल्यू बताइए। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यस इसे हम प्रदर्शित करते हैं एक्सिस से, और हमें बतानी है धारा IM और धारा I, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये तीन चीजें, ठीक है। तो ये तो जो है आप सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्या बोला गया हमसे, दूसरा हमसे बोला गया है कि यदि हम आवृत्ति को 2 गुना कर दें, आवृत्ति को अगर हम 2 गुना कर दें तो संधारित्र के प्रतिघात और धारा के मान पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो दो पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन हम सॉल्व करते हैं। पहले हमसे बोला गया है संधारित्र प्रतिघात बताइए। तो हमें पता है एक फॉर्मूला, वो होता है एक्सी बराबर 1/ωc होता है ना। तो ओमेगा सी होता है हमारे पास, तो ओमेगा की वैल्यू हम ले सकते हैं कि होता है 2π μ। सारी वैल्यू हमें गिवन है, सो रख दीजिए आप। देखिए जो हमारे पास सी था वो था माइक्रोफेरेड में, इसे हमें हमेशा फेरेड में लेना है, ठीक है। तो माइक्रोफेरेड को जब आप कन्वर्ट करेंगे फेरेड में तो वो आता है 10⁻⁶ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस सारी वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास एक्सी की वैल्यू आ जाएगी 212 ओम, ठीक है। अब हमें निकालने आए जो धारा है RMS धारा निकालनी है, तो वो हो जाएगी वी बराबर वी बटे एक्सी। तो ये फॉर्मूला जो सारी वैल्यूज है वो आपने यहाँ पे रख दी, बस का वैल्यू निकाल दी। शिखर धारा निकालनी है, वो होती है IM बराबर √I, ठीक है। I कौन सा धारा है, I ये वाली धारा है और हमारे पास √2 की वैल्यू होती है ये, तो आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही लेंगे फॉर्मूला यूज करके। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि यदि धारा को सॉरी यदि आवृत्ति 2 गुना हो जाए तो क्या होगा। यदि आवृत्ति 2 गुना हो जाए तो प्रतिरोध संधारित्र का प्रतिघात आधा रह जाता है। ये हमने कैसे कहा, देखिए अगर आप इसका रिलेशन देखेंगे एक्सी यानी संधारित्र प्रतिघात और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सी बराबर होता है, अभी हमने देखा था 2π μc, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है आवृत्ति और एक्सी है प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो है व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन। यानी कि अगर हमारी आवृत्ति 2 गुनी हो जाए, यदि हमारी आवृत्ति 2 गुनी हो जाए तो संधारित्र क्या होगा, ऑफकोर्स संधारित्र आधा रह जाएगा, है ना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है संधारित्र प्रतिघात और आवृत्ति के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो संधारित्र प्रतिघात है वो आधा रह जाएगा, ठीक है। और धारा का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप देखेंगे जो धारा होती है वो आवृत्ति के साथ अनुक्रमानुपाती का रिलेशन दिखाती है, इसलिए आवृत्ति अगर 2 गुनी हो रही है तो धारा यहाँ पर 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि V बराबर होता है IR, ओम का नियम पता है हमें, V बराबर होता है IR, यानी कि जो R है वो बेसिकली XC होता है। R की वैल्यू हम ले सकते हैं, R बराबर क्या होता है, XC होता है। तो R की जगह अगर आप XC रखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति के बीच में यहाँ पर रिलेशन नहीं है, आवृत्ति और धारा, मतलब XC की जगह आप ले सकते हैं 1/2πc,
ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इसको रखेंगे आप, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा, जो धारा है आई और जो आवृत्ति है वो एक दूसरे के साथ अनुक्रमानुपाती दिखाती है, तो इसलिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे से अनुक्रमानुपाती है, तो आवृत्ति अगर दो गुनी हो रही है तो धारा भी दो गुनी हो जाएगी। हम बात करते हैं उदाहरण 7.5 की। उदाहरण 7.5 में कहा गया है कि एक प्रकाश बल्ब है, एक सरल कुंडली प्रेरक, एक कुंजी सहित एक चित्र है जिसमें एसी स्रोत से सब जुड़े गए हैं। स्विच को बंद कर दिया गया है, स्विच को बंद यानी कि स्विच ऑन हो गया है, और कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है। इस ये कुंडली जो है हमारे पास, यहाँ पर हम एक छड़ को है यहाँ पर प्रविष्ट कराएंगे, ठीक है, एंटर कराएंगे। छड़ को प्रवेश कराते समय प्रकाश बल्ब की चमक बढ़ती है, घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि जब हम ऐसे ये सारी कंडीशन अगर हमारे पास हो रही है तो उस समय क्या होगा, जो बल्ब होगा उसकी चमक है, बल्ब की चमक अगर वो क्या वो बढ़ेगी या फिर वो घटेगी या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपको हमें बताना है क्या होगा इनमें से और हमको रीजन बताना है, ठीक है। तो आप इसको सोचिए क्या हो सकता है इसमें, इसका आंसर। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेश कराते हैं तो कुंडली के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उस छड़ को वो चुंबकित कर देगा। अब जब वो चुंबकित कर रहा है तो कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब हुआ कि कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और प्रेरकत्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ रहा है, प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ रहा है। और प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि धारा को अपोज ज्यादा कर रहा है, यानी कि धारा के मान को ज्यादा नियंत्रित करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और धारा के मान को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है इसका मतलब क्या होगा, जो बल्ब है उसके सिरों के बीच वोल्टता कम होगी। और क्या होगा, सिंपल सी बात है, धारा कम हो रही है इसका मतलब बल्ब का जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ में आया होगा किस तरह से ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। हमने क्या क्या बताया, सबसे पहले हमने देखा जो हमारे पास कुंडली है जो प्रेरक है, मतलब वो प्रेरक है हमारे पास, हमने उसके अंदर एक छड़, एक लोहे की छड़ है वो हम यहाँ पे घुसा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम उसको एंटर करवा रहे हैं। तो क्या होगा जब एंटर कराएंगे हम, एंटर कराने से क्या होगा, जो इस कुंडली का क्या था, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस छड़ को क्या करेगा, चुंबकित कर देगा। जब ये इसको चुंबकित कर देगा तो इसका मतलब होगा कि इस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है इसका मतलब कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ रहा है, कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ रहा है इसका मतलब कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात भी बढ़ रहा है, और प्रतिघात बढ़ रहा है इसका मतलब जो धारा है उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और धारा का मान कम हो रहा है इसका मतलब बल्ब जो है वो कम ग्लो करेगा। तो ये इसके बीच में रिलेशन है। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। अभी हम इन सबको अलग अलग करके पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा एल फिर सी फिर आर एसी वोल्टेज के साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको हम फेजर आरेख द्वारा इसको हल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।